हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाए। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिल सके। उठो मोटू, उठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मोटू, उठो मोटू। वो शूटिंग स्टार का टुकड़ा बहुत जोर से मेरे सिर से टकराया था। देखो मोटू, तुम्हारे सिर पे स्टार बन गया है। कहाँ है, कहाँ स्टार है, दिखाओ दिखाओ। देखो। अरे भाया, मोटू पतलू कहाँ हो? दुकान बंद होने वाली है, घर आया हूँ। पतलू जल्दी चलो, चाय वाले ने एकदम बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म समोसे बना कर रखे हैं। अरे वो दुकान बंद करके घर पर ही समोसे ले आया है। हाँ पतलू चलो। चाय वाले समोसे लेकर घर आया है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैंने अभी अभी ऐसा देखा कि चाय वाले समोसे लेकर घर पर आया है और हमें बुला भी रहा है। हाँ तुमने देखा? पतलू सोचना बाद में, पहले चलकर समोसे खा लेते हैं, इससे पहले कि समोसे खत्म हो जाए। अरे मोटू पतलू, अभी अभी मैं तुम दोनों को ही आवाज दे रहा था और तुम दोनों इतनी जल्दी आ भी गए। ऐसा लगता है जैसे मेरे मन की बात तुमने पढ़ ली हो। ये लो समोसे, मैं चलता हूँ। थैंक यू चाय वाले भैया। मोटू तुमने तो सच में चाय वाले की बात पहले ही जान ली थी। लगता है तुम्हारे ऊपर जो शूटिंग स्टार का टुकड़ा गिरा था, ये उसी की वजह से हुआ। मुबारक हो मोटू, तुम अब फ्यूचर की बातें पहले ही देख सकते हो। मोटू तुम भविष्यवाणी कर सकते हो। पतलू मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, भविष्य देख सकता हूँ। जय हो। मोटू ये लो, चाय पी लो। आज मैं चिंगम सर के पुलिस स्टेशन को उड़ा दूंगा। पतलू जल्दी चलो, जॉन के हाथ में एक बॉक्स में बम है और वो चिंगम सर के पुलिस स्टेशन को उड़ाने की बात कर रहा है। चलो क्या, जल्दी चलो। चिंगम सर, जल्दी से पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाओ, जॉन बॉम्ब से पुलिस स्टेशन उड़ाने आ रहा है। आइए मो, जॉन की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि आज उसे याद दिलाना पड़ेगा कि चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। मुझे पता चल गया है कि तुम इस बॉक्स में बॉम्ब छुपाकर पुलिस स्टेशन उड़ाने आए हो। हाँ पुलिस स्टेशन उड़ाने, कैसी बातें कर रहे हो?
ये देखो इसमें तो केक है। मैंने सोचा था कि चिंगम सर को आज उनके बर्थडे पर केक देकर उनके होश उड़ा दूंगा। मोटू, इस बॉक्स में तो सच में चिंगम सर के लिए बर्थडे केक है। थैंक यू। जॉन, तुमने मेरे बर्थडे पर इतना बढ़िया सुंदर केक लेकर आए। मोटू, तुमने जॉन को बेवजह क्यों पिटवाया? सॉरी चिंगम सर, वेरी सॉरी। मैंने थोड़ी देर पहले देखा, फ्यूचर में देखा, जॉन बॉक्स लेके पुलिस स्टेशन उड़ाने जा रहा है। मोटू, अब अपनी आंखों के खिड़की दरवाजे बंद करो और आओ चलो चाय नाश्ता करते हैं। पतलू, मैं कोशिश करता हूँ, पर मुझे जो दिखाई देगा वही तो बताऊंगा ना। पतलू, रुक जाओ। कुछ मत देखना। पर पतलू, मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रुको, देखकर बताता हूँ। मोटू पतलू को इस रॉकेट में बिल्कुल बैठने मत देना। दुनिया भर में उनका नाम हो जाएगा। पतलू, मैंने देखा डॉक्टर झटका ने एक रॉकेट बनाया है और घसीटा राम बड़े भैया को ये कह रहा है कि इसमें मोटू पतलू को बैठने मत देना। बीच का कुछ साउंड सुनाई नहीं दिया, पर बाद में उसने कहा कि मोटू पतलू का नाम रोशन हो जाएगा। बीच में तो यही कहा होगा कि अगर हम बैठ गए तो हमारा नाम दुनिया भर में रोशन हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ जल्दी चलो। छुटिया, पापड़ वाले ने मोटू पतलू मेरे यारो मेरे पाइयो, नीचे उतरो यार, नीचे उतरो। नहीं बड़े भैया, नहीं, हम तो बैठेंगे। हमको पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करना है। उड़ी पापा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा से बोलता है कि अगर अभी तुम दोनों रॉकेट में बैठा तो तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन नहीं होगा, बल्कि तुम दोनों का नाम और निशान मिट जाएगा। तुम चाहे कुछ भी कहो, हम तो बैठेंगे। बात कर रहे थे कि मोटू पतलू को रॉकेट में बैठने मत देना, नहीं तो उनका दुनिया भर में नाम रोशन हो जाएगा। ओ मोटू मेरे भाई, मेरे यार, मैंने ये कहा था कि मोटू पतलू को मत बैठने देना, क्योंकि अभी रॉकेट लॉन्चिंग में थोड़ा काम बाकी है यार। डॉक्टर झटका बिल्कुल ठीक बोलता है। हम तो ये बोला था कि अभी मोटू पतलू को रॉकेट में मत बैठने देना। जब रॉकेट बनकर रेडी हो जाएगा तब मोटू पतलू का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाएगा।
ओए मोटू मेरे भाई मेरे यार, ये तो बताओ कि तुमने हमारी बातें सुनी कब यारी? मोटू अब तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आज देख भी लिया। सॉरी पतलू, वेरी सॉरी। अरे मेरी क्या गलती है, सब कुछ उस टूटे सितारे के मेरे ऊपर गिरने के बाद से ही हुआ है। पर भैया प्लीज मुझे ठीक कर दो ना, मैं अब और भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मोटू अब कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिर का सितारा गायब हो गया है। क्या सच? वो सितारा गायब हो गया है? हाँ हाँ बिल्कुल सच। जय हो, मैं ठीक हो गया। पर ये हुआ कैसे? ओ मोटू मेरे भाई, तुम्हारे ऊपर शूटिंग स्टार गिरने से कुछ साइंटिफिक इफेक्ट हुए थे। तुम दोनों रॉकेट के साथ स्पेस में गए तो किसी और स्टार के कनेक्शन में आने से वो रिएक्शन डीएक्टिवेट हो गया यारी। वैसे मोटू पतलू, हमको पहले ये सब बताया होता तो हम लोग कुछ दिन तुम्हारी भविष्यवाणी से कुछ बिजनेस करके थोड़ा पैसा कमा लिया होता। Thank you.